गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक न्यूज़ है, इस न्यूज़ में हमें क्या देखना है कि एक कंट्री है न्यूजीलैंड, ठीक है। तो उस न्यूजीलैंड कंट्री ने वोटिंग एज के रिगार्डिंग कुछ बात रखी है। वो क्या है, वो ये मान रहे हैं कि जो वोटिंग एज 18 है, ठीक है, उस वोटिंग एज को, एज लिमिट को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। उनके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटिंग एज मेनली 16 to 17 हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कंट्री का कहना यह है कि मेच्योरिटी आजकल के जो यंगस्टर हैं उनमें थोड़ी जल्दी आ जाती है, तो वो वोट अपने मेच्योरिटी के बेस पे दे सकते हैं, ठीक है। तो जो कंट्री, जो न्यूजीलैंड ने अभी प्रपोजल रखा है कि 18 को रिड्यूस करके हम क्या करें, 16 to 17 रख लें, ठीक है, ये बेटर रहेगा। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो इंडिया में यही वोटिंग एज पहले क्या थी, 21 थी, ठीक है। फिर बाद में इसी वोटिंग एज को 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से चेंज करके उसको किस में चेंज कर दिया गया, उसमें 18 ईयर्स डाल दिया गया, ठीक है। इंडिया के रिस्पेक्ट में पहले वोटिंग एज 21 थी, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया तो उससे उस एज को रिड्यूस करके कहाँ पे डाल दिया गया, 18 ईयर्स डाल दिया गया, और प्रेजेंट टाइम में इंडिया में वोटिंग एज 18 है, ठीक है। एक और बात हमें इसमें देखना है कि मैरिज के रिगार्डिंग बात होती है कि इंडिया में मैरिज की लीगल एज क्या है। तो इंडिया में मैरिज की पहली लीगल एज फॉर बॉयज़ 21 थी और फॉर गर्ल्स 18 थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो मैरिज का लीगल एज कर दिया गया है वो 21 फॉर बॉयज़ एंड 21 फॉर गर्ल्स दोनों के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इस पर कि इन विच कंट्री चेंज द वोटिंग एज फ्रॉम 18 to 16, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है।